السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين إسلامي نظام خانداني اور فاملي سسٹم کے تعلق سے یہ ایک سلسلہ وار قسط وار سیریز ہے جس میں ہم आपके सामने इस्लाम का फैमिली के ताल्लुक से जो मुकम्मल निज़ाम है वो पेश करने की कोशिश करेंगे निकाह की बाज़ वस्में जिन्हें शरीयत ने हराम करार दिया है उनका बयान आपके सामने आ चुका अलबत् बाज़ अकसाम अभी भी बाकी हैं जिनका बयान इन अगली क़स्सों में आएगा एक निकाह जो कि अवाम के दरमियान बहुत रायज है मरूफ है खूस अरब ममालिक में और जिसकी सुनगुन अब हमारे मुल्क में भी सुनाई दे रही है जिसे लोग निकाह मसीार कहते हैं निकाह मसीार दरअसल अरबी का एक लफ्ज़ है अलमसीार जिसका माना अरबी में सैर यानी चलने के होता है बाज ने इसका माना तर यानी आसानी से भी किया है अलबत्वी माना क्या है वो उस पर बहस नहीं है वो मुराद नहीं है यहाँ बहस इस बात पर है कि ये निकाह शरअन जायज़ है या नहीं है दूसरा सवाल ये कि क्या इस निकाह में जिक्र की गई हर सूरत निकाह मिसार के ज़िम्न में आती है सबसे पहले जो तारीफ जो इसकी बाबत बाबता ने बयान किया है कि निकाह मिसियार है क्या चीज कहते हैं कि निकाह मिसियार ऐसा निकाह है जिसमें औरत अपने बाज़ हकूक से तनाजुल करती है यानी जब निकाह करती है तो कहती है कि मैं फला फुलँ हक जो उसका हक है वो साकित करती हूँ मा ने इसकी ये तारीफ की है अब एक मसला इसमें यह रहेगा कि हक़ का तनाजुल यानी अपने हक़ का इसकात हक को छोड़ना इसके ताल्लुक से इस्लाम ने क्या कहा ये एक मसला है अल्बत्ता उससे पहले यह है कि वो सूरतें जो इसमें दाखिल होती हैं या इसमें लोग दाखिल करते हैं वो कौन सी सूरतें सबसे पहले आप अगर इबनबाज़ अल्लाह को या फिर ये अब्दुल अजीज़ आलू शेख अल्लाह को जिन्होंने इसके जवाज़ का फतवा दिया है उनको जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जिस निकाह मिसियार को जायज़ करार दिया है वो वो निकाह है जिसमें शर्न तमाम शुरूत और जवाबित पाए जाते हैं चुनानचे उसके ताल्लुक से उस्ताद महतरम शेख सलेमानफिजल्ला ने बयान किया फरमाते हैं कि इस निकाह की दो सूरतें हैं पहली सूरत यह है निकाह निकाँह निकाह शर्ुर माद मिनन निकाह इस निकाह के जरिए वही मकसद हो वही इरादा हो इंसान का मकसूद वही हो जो दूसरे आम निकाह से उसका मकसूद होता है या दूसरों का मकसूद होता है यानी इंसान इस निकाह के ज़रिए वही चाहे जो दूसरे आम लोग निकाह करने के वक्त और निकाह के ज़रिए चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं फरमाया फ़यरामरार सबसे पहली चीज़ के वो ये इरादा रखे कि इस निकाह पे बाकी रहेगा यानी अपनी बीवी से तादमे मर्ग वो ताल्लुक रखेगा तलाक नहीं देगा पहली चीज है वही तनासुल और इसके जरिए इस निकाह के जरिए उसका यह भी मकसूद हो कि उसको औलाद हो उसकी जरूरियत पड़े ये मकसूद हो कहा कि लास्तिया हाँ ये मुमकिन है ये हो सकता है कि मर्द रात के वक्त में अपनी बीवी के पास जिससे वो निकाह कर रहा उसके पास आने की इस्तात न रखता हो इस्तात का मतलब कि कहीं काम में मशगूल हो या कोई और मसला हो वो न आ पाए कहा औरत रात गुजारने के सिलसिले में यानी शौहर उसके साथ रहे रात के वक्त इस मसले के सिलसिले में इस मामले में मर्द से ये वाजिब साकित कर दे कहे कि ठीक है कोई बात नहीं है आप रात में नहीं आ सकते कोई मसाला नहीं है हम इस हक से तनाजुल अख्तियार करते फिर शेख हफिज फरमाते हैं कि वहाद कि ये निकाह मुतकदम के नजदीक यानी पहले जो गुजर गए उनके नज़दीक दिन के निकाह से मारूफ है यानी वो लोग लो इसको दिन के वक्त का निका या दिन का निका नाम रखते थे नाम देते थे कहा इसलिए कि औरत रात के वक्त में अपना हक साकित करती है और मर्द जब कभी उसको मौका मैसर होता है जब कभी उसे वक्त मिलता है वो दिन के वक्त में औरत के पास आता है गौर करें कि शेख ने जो शुरूत बयान किए हैं पहली शर्त बयान किए कि निकाह शर्यी हो इबनबाज रही ने इस निकाह के ताल्लुक से यही कहा है कि ये निकाह वली की रजामंदी से हो गवाहान की मौजूदगी में हो और तरफ यानी शोहर और बीवी की रजामंदी से हो यानी निकाह के सही होने के लिए जो शरात है वो तमाम शरात इसमें पाए जाए यही बात शखीब नवाज रह ने भी की है और यही बात शेख अब्दुल अजीज आलू शेख रहम्ला ने भी की है और शेख सलेमानफिज ने इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जिक्र की जो निकाह के मकासद में शामिल है और इससे पहले की किस्तों में बयान किया गया कि निकाह के क्या मकासद हैं जिनमें बुनियादी मकसद के निकाह हमेशा बाकी रखना है यह मकसद हो और इस ताल्लुक से एक और किस्म यह भी बयान आया कि तलाक की नीयत से निकाह करना यह हराम है तो पहली बात तो यह दिल में यह नीयत रखे कि हमेशा उसका साथ निभाएगा दूसरी बात यह कि पहले से दिल में तलाक की नीयत ना रखे यह होता है कि निकाह के जरिए वो इस्तेमरार चाह रहा है यानी हमेशा रहना चाह रहा है कहा तनासुल मतलब जरूरीत और जुर्रियत निकाह के मकासद में से एक मकसद है अगर यह मकसद हटा दिया जाए तो फिर निकाह का कोई फायदा नहीं होता है नबी अक्रम वसल्लम ने फरमाया कि तजवजू अलूद बहुत ज्यादा जो बच्चे पैदा करती हो उससे शादी करो और सबब बताया कि फिन्नी मुकासर बिकमल बाहत में क्यामत के, के दिन मैं कसरत तादाद की वजह से अंबिया या दूसरी उम्मतों पर फखर करूंगा तो निकाह का मकसद बच्चे पैदा करना और औलाद पैदा करना नस्ल बढ़ानी है तो अगर कोई निकाह ऐसा है तमाम शुरूत उसमें पाए गए मकासिद उसके दुरुस्त हैं तो वो निकाह सही है। वो निकाहियार में क्यों कर दाखिल होगा इसीलिए शेख अब्दुलजीज शेख ने कहा कि जब ये शरूत पाए जाए जब ये शरूत पाए जाए और उसके बाद निकाह सही तरीके से हो तो कहा कि जो नाम रखना चाहो तुम रखो ये निकाह है सही है इसको निकाह कहते हैं अब तुम इसको जिस चीज का नाम दो निकाह सही की जो शरायत है उसके मुताबिक होना चाहिए बस हम इतना जानते हैं लिहाजा ये निकाह निकाह मिसियार जो रायज हो गया है जो लोग अब बाज लोग इसको कर रहे हैं उस सूरत में या उसकी सूरत में उसके जिम्न में ये निकाह नहीं आता है ये दूसरी चीज है ये शरी निकाह हुआ अलबत् दूसरी सूरत जो है उसके ताल्लुक से असल मसाला है और वो सूरत क्या है फरमाते हैं उस्ताद सुलेमान ने फरमाया कि अल्लाह युराद युराद अमीन निकाह जो शख्स शादी कर रहा है वो उस शादी से उस निकाह से वो न चाहे उसका मकसद वो ना हो जो आम तौर पर निकाह का मकसद होता है यानी निकाह हमेशा बाकी रखना नहीं चाहता है वो वो चाहता है कि कुछ दिन फायदा हासिल करेगा फिर छोड़ देगा उसी तरह से वो औलाद पैदा करना नहीं चाहता है जरूरियत बढ़ाना नहीं चाहता है फरमाया के मिनहुल इस्तिमता आफ़कत। इस निकाह से सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये है कि वो तमत्तो हासिल करेगा साथ में रहेगा बस फायदे लेगा और चला जाएगा ये उसका मकसूद होता है फरमाया के फला यूरा नस्ल वाला यूरा मिन नहीं जरूरीत की खाईश उसे होती है और नहीं उसका इरादा इस निकाह को हमेशा बाकी रखने का होता है कहा आम तौर पर इस सूरत में या इस जैसी सूरत में यह होता है कि निकाह जो होता है वो सर्री तौर पर होता है निकाह स्री तौर पर यानी पोशीदा तौर पर होता है अल हैलान नहीं होता है अच्छा निकाह अल एलान ना होना ये दर हकीकत निकाह को गलत जगह पर ले जाता है निकाह को कहीं और ले जाता है निकाह के ऐलान के सिलसिले में के निकाह के बारे में ऐलान करना शर्त है या नहीं है उलमा ने इख्तलाफ किया है अलबत् इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इसको शर्त करार दिया और दलाइल की रोशनी में ज्यादा दुरुस्त और अक्रब मौकफ यही लगता है कि निकाह का ऐलान लाजिम और शर्त होना चाहिए या कम अज कम वो काम करे इंसान जिसके जरिए ऐलान का मकसद जो है वो मकसद पूरा हो जाए चाहे वो मस्जिद में निकाह कर ले या फिर कुछ लोगों को जो बड़े हैं जो जिम्मेदारान हैं उनके सामने निकाह कर ले गवाहान ऐसे जिन्हें वो दबा नहीं सकता हो डरा और धमका नहीं सकता हो ऐसे गवाहान को रख ले मकसूद यह है कि ऐलान हो नबी अक्रम साल वसलम ने फरमाया आयशा रजील्ला फरमाती हैं कि आलिनु हाद निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस निकाह का ऐलान करो इस निकाह का ऐलान करो इस हदीस को इमाम तिर्मिजी और इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन में बयान किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को हसन करार दिया इस हदीस का दो टुकड़ा है एक टुकड़ा जो आलिनु हाद निकाह है यह पहला है दूसरा ये दूसरा है तो पहला हिस्सा जो है वो सही है हसन है अलिन निकाह और उसके बाद का जो हिस्सा है उसे अलाम ने ज़यीफ करार दिया तो ये जो लफ्ज है निकाह ये जुमला साबित शुदा है इससे यह साबित होता है कि निकाह का ऐलान कम अज कम जरूरी है और ऐलान का तरीका हर जगह अलग अलग हो सकता है लेकिन मकसद ऐलान होना चाहिए ये मकसद पूरा होना चाहिए तो आलिनु हाजर निकाह और एक दूसरी रवायत में फरमाया والصوت के हलाल और हराम के दरमियान फर्क यह है कि दुफ बजाया जाए जो कि एक दुफ की एक जायज शक्ल होती है एक सही किस्म का दुफ होता है जो हराम जैसे ढोल वगैरह होता है उससे अलग होता है तो फरमाया कि दुफ बजाया जाए वसौतफिन निकाह और निकाह में आवाज लगाई जाए यानी ऐलान किया जाए इस हदीस को इमाम नसाई ने और इमाम इब्ने माजा ने और इमाम अहमद ने बयान किया है नकल किया है और अलामा अलबाई रहमतुल्लाह ने इवा गलील में इस हदीस को सही करार दिया है इस हदीस की शराह में या इसके मफूम को बयान करते हुए माने को बयान करते हुए अलामा सिंधी रमा फरमाते हैं कि काल बिकी इमाम बहीकिल्ला ने फरमाया इन नमा दाना निकाह हमारे नजदीक इसका माना यह है कि निकाह का ऐलान किया जाए निकाह का ऐलान किया जाए सबको बताया जाए मुला ने फरमाया इस अदीज़ की शरह में कि इससे मुराद और जिक्र व तशहर बइन अननास लोगों के दरमियान इसके बाबत इसके ताल्लुक से बताना है कि हमने निकाह किया है और लोगों के दरमियान इसे मशहूर करना है लोगों को बताना है यह शोरत होनी चाहिए कि आपने निकाह किया है इमाम तबीमल ने इसका माना मिशकात में बयान किया का माना ऐलान से किया है निकाह एक फख्र की चीज है या निकाह कम अज कम इंसान के लिए शर्फ और इज्जत की बात है निकाह वो चीज है कि जिसके जरिए एक शख्स अपने आप को पाक दामन महसूस करता है निकाह वो चीज है कि जिसके बाद इंसान मुआरे में इज्जत के साथ सर उठा के जीता है ये निकाह के मकासद है, है अगर कोई निकाह किसी इंसान को ऐसा बना देर झुकाता और सर छुपाता फिरे और लोगों से छुपता छिपाता फिरे फिर ये के उस निकाह को लोगों के सामने बयान करने से डरे उस निकाह का क्या फायदा उसमें और जेना में क्या फर्क है इसका मतलब ये कुछ तो ऐसा मसाला है कि आप छुपा रहे हैं, ठीक है कभी ऐसा होता है कि पहली बीवी नाराज हो जाएगी अगर किसी के पास ऐसा मसाला है नाराज हो जाएगी तो उसे छुपाता है लेकिन दुनिया से छुपा ले तमाम लोगों से छुपा करके रखे ऐसा निकाह निकाह के मकासद के बल है इसीलिए शेख सलेमाना ने फरमाया इस निकाह के ताल्लुक से ला यूराधु मिन माद निकाह इससे वो मुराद नहीं होता जो निकाह से मुराद मुरादा मकसूद होता है अला वलिब अलाकुन सिर कहा आम तौर पर यही होता है कि निकाह तौर पर होता है कहा आगे ये भी फरमाया कि वल गलिबन मुअक्कतन जो शौहर होता है लड़का होता है मर्द के दिल में ये बात होती है ये उसका इरादा होता है कि ये निका वक्ती तौर पर है कुछ दिनों का है और फिर ये भी कहा कि वल गलिब नहीं भी जानती हो तो औरत का जानना और ना जानना यह कोई नहीं है। हो सकता, है, जानती भी हो सकता है, नहीं भी जानती हो और शेख हफिज वहां के तलुक से बात कर रहे हैं जहाँ यह निकाह मारूफ है लोगों के दरमियान एक मारूफ शक्ल इख्तियार कर गया है अलबत् हमारे यहाँ यह निका मारूफ शक्ल इख्तियार नहीं किया है इस निका ने अभी रिवाज की शक्ल नहीं लिया तो हो सकता है कि यहाँ औरत को मालूम न हो अलबत्ता मर्द के दिल में यह बात जरूर होती है कि ये वक़्ती निकाह है वह अन नहाजा निकाहमिन और शहूर और ये, ये निकाह चंद दिनों के लिए चंद महीनों के लिए फहाद निकाह मुहर्रम ये निकाह हराम है हराम है हराम है फिर आगे फरमाया तुरा अल मुरादा तु मिन निकाह क्योंकि इससे जो शर् है उसके जो मकासद हैं वो मकासद इससे मुराद नहीं होते हैं इंसान वो मकासद नहीं चाहता है उसका मकसद न ही नस्ल बढ़ाना होता है और न ही इस निकाह को और ऐसे निकाह को बाकी रखना होता है आगे फरमाया वाली जरिया और ये के ये जेना को दुरुस्त करने का जेना की राह हमवार करने का एक तरीका है लिहाजा ये निका हराम है निकाह मसीार के बाद निकाह की एक और सूरत है जो कि शर्न जायज नहीं है हराम है और वो है सिरी निकाह यानी ऐलान ना करना सिरी निकाह में कई एक सूरतें हैं उसकी पहली सूरत है कि बगैर वली और बगैर गवाहान के और ऐलान किए हुए निकाह किया जाए ये निकाह हराम है जायज़ नहीं है और तमाम अइम्मा के इत्तेफाक के साथ ये निकाह बातिल है बसाओकात होता है कि चंद नौजवान दोस्त बैठ गए और किसी एक मौलाना को बुला लिया ना लड़की के वली हाजिर है नहीं कोई गवाह है और नहीं उसकी तौसीक की जाती है और वो निकाह कर लेते हैं ऐसा निकाह बातिल है जायज नहीं है ये सीधी निकाह है दूसरी सूरत यह है कि वली हो और गवाहान भी हो अलबत् ऐलान नहीं किया जाए तो इस निकाह के ताल्लुक से ने इख्लाफ किया है और बाज़ल ने इसे मकरू कहा है अलबत् बेहतर यह है ज़्यादा सही कौल यह है कि ऐसा निकाह जो कि सररी हो ये निकाह कम अज़ कम मकरू के दर्जे में जरूर जाएगा अगर इसे हराम नहीं कहा जाए तो मकरू के दर्जे में जरूर जाएगा जबकि उलमा की एक जमात ने इस निकाह को बातिल कहा है जैसा कि इमाम मालिक र्ला कौल है और अदिल्ला दलायल जो है वो इमाम मालिक र्ल के कौल को राजे करार देते हैं इसकी चौथी सूरत यह है कि निकाह वली के जरिए वली की मौजूदगी में किया जाए अलबत्ता गवाहान मौजूद नहीं हो तो जानते हैं गवाहान का पाया जाना मौजूद होना ये एक शर्त है निकाह के सही होने की शर्त है ये शर्त मफकूद हुई तो निकाह बातिल हो जाएगा उसी तरह से निकाह की एक किस्म जिसको बाज़ लोग बाज उलमा निकाह उर्फी कहते हैं निकाह उर्फी का दो माना है एक मतलब यह है कि निकाह शरी पे किया जाए जो शरी जवाबित हैं शरात हैं वो तमाम मौजूद हों अलब रस्मी तौर पर यानी जो एक मुल्क का निज़ाम है कि उसको जाकर रजिस्टर्ड करवाया जाए जो भी इस तरह के रस्मी निजाम होते हैं उम्र होते हैं वो नहीं किया गया तो निकाह सही है क्योंकि शुरूत पाए गए जो क्यूद है शरी वो पाए गए लेकिन ये मुनासिब काम नहीं है जिस कदर मुमकिन और जल्द हो सके जाकर के उसकी तोसीक़ और रस्मी तौर पर उसकी तस्जील करवाएं रजिस्टर करवाएं निकाह उर्फ़ी की बात सूरत एक ये भी है या बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं उसको उर्फ़ी का नाम दे देते हालांकि वो उस किस्म में शामिल है नहीं और वो है ऐसा निकाह जिसके अंदर निकाह के जो शराय है वो नहीं पाए जाए जैसे वली ना हो गवाह ना हो ऐसा निकाह चूँकि शरी निकाह नहीं है शरी कैद और जवाब नहीं पाए गए उसी तरह से इसमें वली या गवाह नहीं पाए गए लिहाजा ऐसा निकाह बातिल है क्योंकि ये शरीयत के कैद और शराय से खाली है निकाह के इन तमाम अकसाम को जिक्र करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में और आवाम में एक पैगाम जाए कि जो चाहें वो वो नहीं कर सकते हैं खसूस निकाह के मसाले में निकाह का मसाला बहुत ही संगीन मसाला है हलाल को हराम करना हराम को हलाल करना ये इतना आसान और इजी मामला नहीं है किसी की इज्जत को जायज कर देना किसी को हराम कर देना किसी के लिए ये यह बहुत बहुत बड़ा मामला है इसलिए इसमें जबान खोलने से पहले या इस मामले में कदम रखने से पहले आप शरीयत को जानें शरीयत के बारे में इल्म रखें ताकि गलती का इम्कान ना रहे इस मकसद के तहत ये तमाम अकसाम बयान किए गए आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें हराम उमूर से बचा करके रखे अल्ला आलमीन हम तमाम लोगों को हलाल की अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल्दिल्ला रबालमीन व रहमतुल्लाहि व वबरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें